चतरा पुलिस और सीआरपीएफ का नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान। पुलिस और सीआरपीएफ ने कराया 5 बड़े नक्सलियों को सरेंडर। सरेंडर किए गए नक्सलियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार जब्त। चतरा पुलिस और सीआरपीएफ नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चला रही है। पहले लावालौंग के जंगलों में 5 खूंखार नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। उसके बाद 15 लाख के नक्सली कमांडर इंदल गंजू को सरेंडर कराया गया और अब एक बार फिर से आज 5 बड़े नक्सलियों को सरेंडर कराया गया। इनमें 10 लाख इनामी जोनल कमांडर अमरजीत यादव उर्फ टिंगू, 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर सहदेव यादव उर्फ लटन, सब जोनल कमांडर नीरू यादव उर्फ सलीम, सब जोनल कमांडर संतोष भुइया उर्फ सुकन और दस्ता सदस्य अशोक बैंगा उर्फ अशोक पहाड़िया शामिल है। इसके खिलाफ बिहार झारखंड के अलग अलग थानों में 100 से ज्यादा केस दर्ज है। अकेले अमरजीत यादव पर 81 केस दर्ज है। सुरक्षा बलों ने इनके निशानदेही पर बड़ी संख्या में हथियार बरामद किया है। इनमें 2 AK-47, 56 राइफल, 1 SLR और 1 इंसास राइफल समेत कई देसी हथियार वायरलेस सेट बरामद किया गया है। इनके सरेंडर करने के बाद चतरा के कैलेश्वरी इलाके में नक्सलियों का सफाया हो गया है। जो पुलिस की जो और सीआरपीएफ की जो कार्रवाई विगत लगभग 1 वर्ष से वहां पे चल रही थी, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक दिन का परिणाम नहीं है। 2022 में 3 मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद इस साल अप्रैल तक 4 मुठभेड़ हुई, जिसमें कि पहली मुठभेड़ जो हुई थी उसमें एक दस्ता सदस्य मारा गया था। उसके बाद फिर एक सटीक आसूचना पुलिस को प्राप्त हुई और उस पर जॉइंट फोर्सेस के द्वारा ऑपरेट किया गया, जिसमें कि कोबरा 203 और चतरा पुलिस की टीम शामिल थी, जिसमें कि 5 जो कुख्यात उग्रवादी मारे गए थे। तो निश्चित रूप से माओवादियों में खलबली थी, भगदड़ की स्थिति थी और साथ साथ जो सरेंडर नीति है उसका भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे। दिन है और ये जिसके तहत 5 जो माओवादियों ने, क्योंकि पुलिसवरी सब जोन में सक्रिय थे, आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने स्वयं आत्मसमर्पण करते हुए बाकी जो अपने आम से अम्युनिशन के साथ आत्मसमर्पण किया है। ये घटना एक एंटी नेक्सल ऑपरेशंस में एक मील का पत्थर साबित होगी और जैसा कि आईजी साहब ने पहले ही इस बात का जिक्र किया है कि इससे जो है कुलेश्वरी सब जोन और चतरा में जो नक्सलवादी गतिविधियां हैं उसका लगभग पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। ये घटना संयुक्त बलों के जो एंटी नेक्सल ऑपरेशंस हैं झारखंड पुलिस के साथ सीआरपी व अन्य बलों के साथ जो इलाके में ऑपरेशंस हो रहे हैं उसकी तारतम्यता में देखे जाने चाहिए। विगत माह में हम लोगों ने एक ऑपरेशन करा जिसमें गौतम पासवान में उनका दस्ता उसको निष्क्रिय किया और मुठभेड़ में मारा गया। उसी तारतम्यता में आगे बढ़ते हुए इंदल गंजू ने भी सरेंडर करा और इसी सिलसिले में आज का जो आत्मसमर्पण का जो ये बात है इस चीज़ को देखना चाहिए। ये संयुक्त बलों के जो एंटी नेक्सल ऑपरेशंस हैं उसमें सफलता का द्योतक भी है और जो राज्य सरकार की जो अपनी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसको प्रोत्साहित करते हुए हम लोग और बाकी बचे हुए जो नेक्सल हैं उनसे आह्वान करेंगे और आह्वान करना चाहेंगे कि जिस प्रकार इन्होंने आत्मसमर्पण करा है वह सब भी आत्मसमर्पण करें ताकि हम लोग जो झारखंड राज्य से है नक्सलवाद का सफाया करें। ये हेलमेट थोड़ा सा हटा दो। नाम केवलिया थाना प्रतापपुर। कब जुड़े थे माओवाद से? ये 2016 में जुड़े थे। कैसे जुड़ गए, क्या हो गया था? वो गांव घर में जमीन का विवाद था तो संगठन वाले लोग जाते थे तो हमने अपना समस्या को रखे तो उन लोग बोले कि समस्या चलो मेरे साथ में हल कर देंगे, लेकिन हम लोग उसी मनाथी में रह गए, उनके झांसा में पड़े हुए रह गए, लेकिन आज तक हम लोग का समस्या ये निदान और हल नहीं हुआ। इसलिए हमारे चतरा SP साहब और चतरा के हमारे जो जितने मानो
पुलिस अधिकारी जो भी हैं वो हम लोग का घर तक संदेश पहुंचाने के काम किए और हमारे घर वाले भी हमारे तक संदेश पहुंचाए। जब हम चतरा एसपी साहब को संदेश को अच्छी तरीक़ा से समझ गए, आत्मसमर्पण का पॉलिसी को समझ गए, तो हम आत्मसमर्पण करने का इच्छा जाहिर शोषण भी होता है संगठन में मिलता था शोषण होता है नेता लोग दिया जी वैसा मानो बड़े बड़े नेता लोग तो है ही हैं लेकिन वैसे समर्थन नहीं मिलता था ना अगर मिलता तो हम लोग को समस्या तो निदान हो जाता है समझे वही समझ बूझ करके हमको घर परिवार भी लगल था हम लोग पर दबाव दे रहे थे हम अपना सोच समझ करके आत्मसमर्पण किए यही है। ये नेता लोग का कोई समर्थन आप लोगों को प्राप्त होता था नहीं हम लोग का मान सम्मान नहीं मिलता था निचले वाले। ज्ञान का भंडार ज्ञान स्थली लेकर हाजिर है इंटर की शिक्षा। दसवीं के बाद लेना है मैथ्स या बायो तो ज्ञान का स्थल है यही साइंस स्ट्रीम का बेस्ट विकल्प। गुड्डा का सुपर फैसिलिटी स्कूल अब दे रहा है आईएससी की पढ़ाई का मौका वो भी गुड्डा में। अब नहीं है जरूरत दूसरे शहर जाने की जब आपके शहर में ज्ञान स्थली है फिर कहीं क्यों जाना। अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे विद्यालय में ही प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी नीट और जेई दोनों निकालना होगा आसान। अब आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम है उपलब्ध बहुत कम फीस में। अब गोड्डा में नामांकन जारी है जल्दी करें। हमारा पता है प्रताप नगर सरकंडा गोड्डा। हमारा संपर्क है 9472792572 या फिर 9472792575।